गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो हायन का तरंग, हायन की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। 10th chapter 12th class फिजिक्स में हायन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या मीन्स स्नेल नियम को सिद्ध करना। स्नेल नियम वही साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू वन म्यू टू, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको तरंगाग्र आना चाहिए, हाइगन के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत आना चाहिए। इसके पीछे वाले लेक्चर में सब हो चुके हैं, उसको आप पीछे देख सकते हैं तब इसको आप पढ़ पाएंगे। तो हाइगन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या करना है, ठीक है ना। हाइगन के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। तो इसके लिए देखिए, ये तो आपको पता होना चाहिए कि जब इसके लिए कम से कम इतना तो बता ही दें कि वन म्यू टू इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, ये अपवर्तन के नियम में ये आपको सिद्ध करना है। वन म्यू टू इक्वल टू होता है वी वन अपान वी टू। ये विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुकना, अभिलंब की ओर झुकना, ये भी आपको पता है, ठीक है ना। विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुकना, ये भी जानते हो, ठीक। और ये बताया गया है कि यदि माध्यम समान रहता है, पीछे लेक्चर में आप देखना है ना, तरंगाग्र द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में, यदि माध्यम समान है तो तरंगाग्र और तरंगिका का वेग जो होता है वो समान होता है। यदि माध्यम समान है तो जितना वेग तरंगाग्र का होगा उतने वेग तरंगिका का भी होगा, पर यदि माध्यम अलग अलग है तो अलग अलग वेग होगा तरंगाग्र तरंगिका का, ठीक है ना। तो इसको देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ डायग्राम बनाते हैं। ये रहा जेड जेड डैश, दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है। जेड जेड डैश क्या है, दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है। ऊपर तरफ हम मान के चलते हैं विरल माध्यम है, नीचे तरफ मान के चलते हैं क्या है, सघन माध्यम, ठीक है ना। इसमें कोई तरंगाग्र ए बी, ये इस प्रकार से कोई तरंगाग्र ए बी आपतित होता है, ये समतल तरंगाग्र है। यदि ये तरंगाग्र इस पर आपतित होगा तो पहले ए वाला पोर्शन यहाँ पहुँचेगा, बी न पहुँचेगा, पहले कौन पहुँचेगा, ए यहाँ पहुँचेगा, इसको आपतित कराना है। ये समतल तरंगाग्र है, ये क्या है, ये समतल तरंगाग्र है। और ये तरंगाग्र जो है इस पर क्या होगा, आपतित होगा। जब ये आपतित होगा तो पहले ए पहुँचेगा इस पर, बी न पहुँचेगा, ठीक है ना। तो दिखाते हैं चित्र, जब बनाएंगे तो देखना। ये वो वाला है, ये ठीक है ना, ये जो हमने ए बी बोला था, ऐसे जो हमने ऐसे कहा था ना, ये ए है ये बी, तो ये ए है ये बी, ठीक। तो ये पहले पहुंच गया, अब बी अभी नहीं पहुंचा है, बी अभी नहीं पहुंचा है, बाद में ये बी बी डैश पर पहुंचा, बाद में ये बी जो है वो कहां पहुंचेगा, बी डैश पर, बाद में ये बी जो है कहां पहुंच गया, बी डैश पर।
अब देखना, जब ये यहां से एन ए एम, ये अभिलंब है, जब ये तरंगाग्र है, अब किरणें तरंगाग्र के लंबवत होती हैं, तो ये हो जाएगी, कैसे हो गई, विरल से सघन में गई है तो ठीक है ना, और यहाँ पर ये भी ऐसे हो जाएगा, इसका अभिलंब यहाँ पर ये रहा एन डैश एम डैश, और यहाँ पर ये द्वितीयक तरंगिका, जी यहाँ पर ए डैश है, और ये रहा, ये कैसे हुआ है, ये भी एक समतल तरंगाग्र है, और तरंगाग्र का इतना भाग यदि लेंगे तो ये किरण है, ये क्या है, किरण है, तो ये विरल से सघन में गई तो अभिलंब की ओर झुकी है, ये भी विरल से सघन में गई तो अभिलंब की ओर झुकी है, तो अलग से इसको कहेंगे तो किरण है, अलग से इसको कहेंगे तो ये किरण है, लेकिन इतना इसको इकट्ठा कहेंगे तो ये समतल तरंगाग्र है, ये इतना समतल तरंगाग्र है, तो ए बी जो है समतल तरंगाग्र आपतित वाला है, और ए डैश बी डैश जो है अपवर्तित तरंगाग्र है, यानी ए बी जो है क्या है आपतित तरंगाग्र, और ए डैश बी डैश क्या है अपवर्तित तरंगाग्र, यदि इतने भाग को लेंगे तो ये आपतित किरण है, ये भी आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, यहाँ पर ये कोण क्या होगा आई, ये कोण क्या होगा आई, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा वो क्या होगा आर, जब ये आई होगा तो ये वाला भी क्या होगा आई, और ये आर होगा तो ये वाला भी क्या होगा आर, कहोगे कैसे, कहोगे कैसे, ठीक है, तो देखना समझने के लिए इसको हम वन कह दें, इसको वन, इसको क्या कह दें टू, और इसको कह दें थ्री, हम इसको वन बोले हैं, इसको टू बोले हैं, ठीक है ना, तो वन और थ्री मिला के कितना, वन और थ्री मिला के कितना 90, वन और थ्री मिला दिया जाए तो 90, और इधर टू और थ्री मिला दिया जाए, टू और थ्री मिला दिया जाए तो 90, ये दोनों इक्वल हैं, तो 1+3 इक्वल टू 2+3, तो ये 3 से 3, तो 1=2, जितना 1 होगा उतना ही 2 होगा, जितना 1 होगा उतना ही 2 होगा, तो 1 को हमने आई कहा है, तो 2 को भी क्या कहेंगे आई, ऐसे ये भी है, ये मिला के 90 है, ये मिला के 90 है, इसलिए ये इक्वल, ठीक है ना, ये रहा, इसमें ये t=0 पर यहाँ पहुँचा है, ये t=0 पर यहाँ पहुँचा है, और ये t=t पर यहाँ पहुँचा है ना, समय 0 समय t, ठीक, यहाँ पर देखिए क्या क्या किया हमने, सबसे पहले ये कहेंगे ये द्वितीयक तरंगिका है, ये जो चाप टाइप का दिखाया है, जैसे यहाँ समझने का प्रयास करना, यहाँ ए है ना, ये तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिका, ये सब द्वितीयक तरंगिका है, तो एक ठो दिखाया है, ये ए है ना, ये द्वितीयक तरंगिका, ये भी, तो ये एक ठो, ठीक, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या कहेंगे, सबसे पहले ये कहेंगे कि मान लेते हैं जेड जेड डैश क्या है, एक है जेड जेड डैश जो है दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है, जेड जेड डैश क्यों है, वो दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है, जिसके ऊपर विरल माध्यम है और नीचे जो है वो क्या है सघन माध्यम है, क्या कहा हमने, जेड जेड डैश क्या है दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है, जिसके ऊपर विरल माध्यम है, नीचे क्या है सघन माध्यम है, उस पर कोई समतल तरंगाग्र ए बी आपतित होता है,
समतल तरंगाग्र ए बी आपतित होता है। टी बराबर जीरो पर तरंगाग्र का बिंदु ए, टी बराबर जीरो पर तरंगाग्र का बिंदु ए जेड जेड डैश पर पहुंचता है तथा तरंगाग्र का बिंदु बी, तरंगाग्र का बिंदु बी टी समय पश्चात, तरंगाग्र का बिंदु बी टी समय पश्चात बी डैश पर पहुंचता है। जब तक में बी बी डैश पर पहुंचता है, जब तक में बी बी डैश पर पहुंचता है तब तक में ए से द्वितीयक तरंगिका निकलकर ए डैश पर पहुंच जाती है। जब तक में बी बी डैश पर पहुंचता है टी समय तक में, तो उतने समय में ए से द्वितीयक तरंगिका निकलकर कहां पहुंच जाती है, ए डैश पर। अब ध्यान देना, बी जो है कहां पहुंचा, बी डैश पर, ज़्यादा दूरी तक गया, और ए से द्वितीयक तरंगिका निकलकर ए डैश पर पहुंची कम दूरी तक। उसकी वजह है कि ये तरंगाग्र जो है किस माध्यम में है, तो उसका वेग ज़्यादा था तो ज़्यादा दूरी तक गया, और जब तरंगिका निकलना शुरू हुई तो वो किस माध्यम में जा रही हैं, सघन में, तो वो कम दूरी तय कर पाई हैं, इसलिए ये दूरी कम है और ये दूरी ज़्यादा है। क्लियर हुआ क्या? जो बी बी डैश पर गया है वो तरंगाग्र है, विरल माध्यम में है, तो वहाँ वेग अधिक होगा, और ए ए डैश पर जो पहुँचा है वो तरंगिका है, द्वितीयक तरंगिका, वो सघन माध्यम में है, तो वहाँ का वेग कम है, इसलिए कम दूरी। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ का वेग वी वन है, इस साइड का वेग वी टू है, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम समान टी है, और यहाँ से यहाँ तक आने का भी टाइम क्या है, सी है। यहाँ से यहाँ तक का वेग क्या है, वी वन है। यहाँ से यहाँ तक का वेग क्या है, वी टू है। तो दूरी बराबर होता है वेग गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुणे समय। दूरी बराबर वेग गुणे समय, तब बी बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, वी वन इंटू टी, और ए ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, वी टू इंटू टी। होगा कि नहीं, दूरी बराबर वेग गुणे समय, तो ये दूरी, तो वेग क्या है, वी वन है। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना है, टी है, तो वी वन इंटू टी, और यहाँ से यहाँ तक का वेग क्या है, वी टू है, समय कितना है, उतना टाइम, तो वी टू इंटू टी। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, ध्यान देना, ठीक है ना। तो जो हमने कहा है, जो हमने कहा है उसको हम लिख भी रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको और छोटा कर देते हैं, ये आई यहाँ लिखे थे। मान लिया जेड जेड डैश दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है, जिसके ऊपर वाई, जिसके ऊपर विरल माध्यम, सॉरी विरल माध्यम तथा नीचे सघन माध्यम है। मान लिया जेड जेड डैश दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है, जिसके ऊपर विरल माध्यम तथा नीचे सघन माध्यम है। ए बी कोई समतल तरंगाग्र है, जो कि जेड जेड डैश पर आपतित होता है। टी बराबर जीरो पर तरंगाग्र का बिंदु ए सीमा पृष्ठ पर पहुंचता है तथा टी समय पश्चात तरंगाग्र का बिंदु बी सीमा पृष्ठ पर बी डैश पर
पहुंचता है। ठीक उतने ही समय में, ठीक उतने ही समय में ए से द्वितीयक तरंगिका निकलकर ए डैश पर पहुंच जाती है। इस प्रकार ए बी आपतित तरंगाग्र तथा ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र है। ठीक है ना। आगे लिख देते हैं। मान लिया तरंगाग्र का वेग V1 व तरंगिका का वेग V2 है, जहाँ V1 बड़ा है V2 से। विरल माध्यम में वेग अधिक है, सघन माध्यम में कम है। तब दूरी बराबर वेग गुणे समय से BB' बराबर V1 इंटू टी और AA' बराबर V2 इंटू टी। ये समीकरण नंबर 1। इतना भी ठीक है, ठीक है ना। ये तो हमने वैसे सब कुछ कह के चला है वहाँ तक। ठीक, BB' बराबर V1 इंटू टी और AA' बराबर V2 इंटू टी। अब बताना ये कोण 90° का है, ये कोण क्या है 90। तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण यानी ABB' में, ABB' में इसके लिए एक लंब होगा, ए इसके लिए एक कर्ण होगा, और AA'B' में इसके लिए ये लंब होगा, AA'B' कर्ण होगा। ठीक है ना। तो हम एक ठो से साइन आई ला लेते हैं, एक ठो साइन आर ला लेते हैं, फिर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना। तो देखना अभी ये भी बता दें, यहाँ पर ये जान लो होता क्या है कि तरंग जो किरणें होती हैं तरंगाग्र के लंबवत होती हैं। तो IA आपतित किरण होगी, AA' पर अपवर्तित किरण होगी, और NAM' जो है यानी NAM अभिलंब होगा, तीनों एक ही तल में है। यह अपवर्तन का पहला नियम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं थोड़ा सा, उसको भी देखना। देखना क्योंकि किरणें तरंगाग्र के लंबवत होती हैं, अतः IA आपतित किरण AA' अपवर्तित किरण तथा NAM अभिलंब है। अभिलंब है जो कि तीनों एक ही बिंदु पर हैं। यह अपवर्तन का प्रथम नियम है। ठीक। अब त्रिभुज ABB' में
ए बी बी डैश में साइन आई बराबर बी बी डैश अपान ए बी डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में साइन आर बराबर ए ए डैश अपान ए बी डैश। इस कोण के लिए कर्ण ए ए ए बी डैश होगा, इस कोण के लिए कर्ण ए बी डैश होगा, और इसके लिए लंब बी बी डैश, इसके लिए लंब ए ए डैश। ठीक, समीकरण एक भागे दो से तो साइन आई बटे साइन आर बराबर बी बी डैश अपान ए बी डैश, और ये ए ए डैश अपान ए बी डैश, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, साइन आई बटे साइन आर बराबर बी बी डैश बटे ए ए डैश, ये बचा, ये कट गया। अब बी बी डैश का मान वी वन टी और ए ए डैश का मान वी टू टू लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वी वन इंटू टी और वी टू इंटू टी, ये इससे कट गया, तो क्या बचा, साइन आई बटे साइन आर बराबर वी वन बटे वी टू, समीकरण नंबर चार। किंतु किंतु वन म्यू टू बराबर वी वन बटे वी टू, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। अब समीकरण चार व पाँच से क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर वन म्यू टू, यही अपवर्तन का दूसरा नियम है, यही स्नेल का नियम है। ठीक है ना, चाहे आपसे ये कह दिया जाए कि हाइगन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, तो ये आपको यहाँ तक लाना पड़ेगा, यहाँ तक। चाहे कह दिया जाए कि हाइगन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर स्नेल नियम को सिद्ध करो, तो भी यही लाना है। ठीक है ना, ये अब लगता होगा कि सर यदि मान लीजिए सघन इधर कर दें विरल इधर कर दें तो ये जो अभिलंब की तरफ झुकी है वो अभिलंब से दूर हटेगी, और क्या होगा। ठीक है ना, और सब कुछ यही होगा। ठीक, तो ये रहा, तो हाइगन के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या इसके पीछे लेक्चर में हुआ था, अपवर्तन की व्याख्या ये हो गई। अब यदि आप आगे का भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो दूसरे बच्चों का भी इससे कुछ हित होगा, है ना। थैंक यू।